नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला इकाई ने आज कांग्रेस की प्रदेश सरकार और कमलनाथ के वचन पत्रों की अर्थी निकाली। इसमें उन्होंने चुनाव के वक्त किए गए वादों को पूरा ना करने का आरोप लगाया। जल्दी सुनवाई ना होने की सूरत में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। माधवगंज से भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के वचन पत्र और सरकार की अर्थी सजा कर उल्टे ढोल बजाते हुए अर्थी निकाली, जो मुख्य मार्गों से होते हुए बड़े बाजार पहुंची, जहां अर्थी को आग के हवाले कर दिया गया। अर्थी निकाली है, किसकी निकाली है? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार ने वचन पत्र चुनाव के समय प्रेषित किया था कि हम युवाओं को 4000 रुपये प्रतिमाह का भत्ता देंगे। वो भत्ता कहाँ है? आज मध्य प्रदेश का युवा क्या ढोल चढ़ाएगा, क्या बैंड बजाएगा? इसलिए आज हमने सरकार की और सरकार के वचन पत्र की अर्थी निकाली है। इसलिए और आगे भी हम चुनौती देते हैं, आगे भी चुनौती देते हैं। अगर कमलनाथ जी ने इस तरह का चलावा फिर युवाओं के साथ किया, फिर हम आंदोलन उग्र आंदोलन करेंगे। ब्यूरो चीफ विजय विद्रोही की रिपोर्ट।